नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में देरी के बाद से अब यह कहा जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। हालांकि पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट अब झारखंड में भी देखने को मिल रही है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो नवंबर दिसंबर में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है, अन्यथा अभी पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने उन्हें इसकी तैयारी करने के लिए कहा गया है। मीडिया से बात करते हुए आलमगीर आलम ने कहा कि अगर स्थिति ठीक रही तो चुनाव करा लिया जाएगा। अभी परिसीमन से लेकर चुनाव संबंधी कई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। श्री आलम ने कहा कि अफसरों के साथ पंचायत चुनाव और प्राधिकृत समिति के कार्यकाल को लेकर बैठक की जा रही है। दोनों कई अलग मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल जनवरी से पहले समाप्त हो गया था, ऐसे में कार्यकाल को 6 माह के लिए एक्सटेंड किया गया। मुखिया सहित अन्य प्राधिकृत समिति का गठन कर पंचायती व्यवस्था चलाने का अधिकार दिया गया है। अब इनका कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है, इस कारण समस्या उत्पन्न होगी, तब पंचायत चुनाव कराना भी किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। इसीलिए सरकार इस पर निर्णय लेगी कि पंचायती व्यवस्था संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है। इस बाबत मंत्री ने कहा कि संबंधित मुद्दों पर बैठक और विचार विमर्श किया गया है, इसके बाद मामले को कानूनविदों से राय ली जाएगी, साथ ही मसले को कैबिनेट में भी रखा जाएगा और भारत सरकार से दिशा निर्देश मांगा जाएगा। इसके बाद से सरकार इस पर फैसला लेगी कि फिर से एक्सटेंशन दिया जाए या फिर वैकल्पिक व्यवस्था करके पंचायती राज शासन को चलाया जाए। आपको बता दें कि झारखंड में मई से जून के बीच में पंचायती चुनाव कराने की बात कही गई थी, लेकिन अब इस तिथि के फेल हो जाने के बाद से इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के तौर पर झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी की नियुक्ति के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पंचायत चुनाव जल्द कराए जाएंगे। लेकिन पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जल्द ही झारखंड में पंचायत चुनाव संपर्क कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव कराने के लिए ढेरों तैयारियां करनी होती है, जिसे जिलावार निपटाना भी किया जाना है। बिना तिथि बताए उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के विघटन के बाद जनवरी माह में ही अधिसूचना जारी कर पंचायती राज संस्थानों को सक्रिय रखने एवं कार्यकारी समिति के गठन कर दिया था। इधर राज्य सरकार के ग्रामीण विभाग ने बीते फरवरी महीने में राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी। तो ऐसे में इसी महीने में झारखंड में यानी कि जुलाई में ही झारखंड में जो नई कमेटी का गठन हुआ है उसे एक्सटेंड करने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि नया कोई कानून बनता है या फिर वही कमेटी आगे काम करेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।